السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أما بعد. जी, पिछली क्लास में हमने अमर के हवाले से डिस्कस किया था और नहीं की भी डिस्कशन की थी। अगर कुछ याद हो नहीं के हवाले से, अमर वाले टॉपिक में कुछ रह गया था? जी, बाकी आपने कहा था कि आप पढ़ लें। अच्छा, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली रिव्यू कर रहा हूँ। अमर का जो टॉपिक था, उसमें हमारी अमर से मुराद क्या है? अमर से मुराद है ऐसी बात जिसमें किसी फेल को करने का तकाजा किया गया हो और वो बात ऐसे शख्स या ऐसी जात की तरफ से आ रही हो जो कि उस शख्स से ऊपर कंसीडर किया जाए जिसको हुक्म दिया जा रहा है। और जब ऐसा हुक्म आता है या ऐसी तलब आती है तो उसका तकाजा शरी एतबार से क्या होता है, और इस हुक्म को या इस तलब को करने के लिए क्या सीगे शरीयत में इस्तेमाल हुए हैं। तो पहले तो ये कि सीगे कौन से इस्तेमाल हुए हैं, तो चार सीगे आमतौर पर इस्तेमाल हुए हैं अमर के। एक फेल अमर, दूसरा इस्म फेल अमर, तीसरा ऐसा मसदर जो कि फेले अमर की जगह पे लाया जाए, और चौथा फेले मुजारे के साथ लामुल अमर का इस्तेमाल। ये चार सीगे हैं अमर के ग्रामर के एस्पेक्ट से। उसके अलावा शरीयत ने तलब किया है फेल को और मुख्तलिफ तरीकों से, और वो ये है कि शरीयत ने किसी फेल को या किसी चीज को कहा हो कि ये फर्ज है या ये वाजिब है या ये मंदूब है या ये ताअत है यानी इताअत है, फर्माबरदारी है, या इसके करने वाले की तारीफ करी हो या उसके करने वाले की मुजम्मत की हो या फिर उसके करने पे किसी सवाब को बयान किया हो या उसके छोड़ने पे किसी सजा को बयान किया हो। इन सारे तरीकों से शरीयत ने ये जाहिर किया है कि शरीयत का इस फेल के हवाले से मुतालबा है। अब वो मुतालबा इल्जामी तौर पर भी हो सकता है, जब इल्जामी तौर पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाजिब, या फिर वो मुतालबा अफजलियत के तौर पे भी हो सकता है यानी के मुस्तहब। जैसे कि अगर शरीयत ने किसी करने किसी फेल के करने पे करने वाले की तारीफ की गई कि ये शख्स बहुत अच्छा है, तो इसमें कम से कम मुस्तहब का दर्जा उसको मिल गया है, या फिर उसके उस फेल के करने पे कोई सवाब बयान किया हो कि जिसने ये काम किया उसके लिए जन्नत में एक घर है, तो ये भी कम से कम मुस्तहब के दर्जे पे पहुंच गए, यानी तलबुल फेल हो चुकी है यहाँ पे कि ये काम जो है मतलूब है। अब वो इल्जामी तौर पे या अफजलियत के तौर पे वो एक अलग बात है। जब सीगतुल अमर इस्तेमाल होता है शरीयत में तो उसका बाय डिफॉल्ट उसका क्या तकाजा है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो उसमें हमने दो चीजें देखी थी। एक तो ये वुजूबुल मामूरी बिही, वुजूबुल मामूरी बिही का क्या मतलब है कि जिस चीज के बारे में हुक्म दिया गया है वो शरीयत उसको वाजिब बना रही है। ठीक है, अगर किसी मामले में किसी जगह पे शरीयत में सीगतुल अमर इस्तेमाल होता है, जो चार सीगे बयान किए गए हैं,
उनमें से कोई भी इस्तेमाल होता है तो एक तो उससे कंक्लूजन क्या निकालना है कि जिस चीज के बारे में वो अमर आया है वो चीज वाजिब है, दूसरा उसको फौरी तौर पे अदा करना है। ठीक है, एक तो ये कि वो वाजिब है, दूसरा ये कि उसको फौरी तौर पे अदा करना है। फिर वाजिब के लिए शेख साहब ने एक दलील दी कुरान की आयत के फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफ़ूना अन अम्री अन तुस्लिबहुम फितनतुन युस्लिबहुम अज़ाबन अलीम, और फौरी तौर पे करने के लिए शेख साहब ने एक ये दलील दी फस्तबिकुल खैरात, और दूसरी ये दलील दी कि हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को हुक्म दिया तो उनकी ताखीर ने आपको नाराज किया, या आपने उसके जाके फिर अपनी वाइफ को जिक्र किया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इसको फौरी तौर पर बजा लाया जाए बजाय इसके के वेट किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये तो बाय डिफॉल्ट है कि फेले या सीगतुल अमर जो है उसकी क्या उसका क्या तकाजा है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सीगा अमर का ही इस्तेमाल किया जाए लेकिन उसको वाजिब की जगह पे नहीं बल्कि किसी दूसरे माने में इस्तेमाल किया गया हो। तो उसमें एक इस्तेमाल किया है कि वो मंदूब यानी मुस्तहब के बयान के लिए आता है। ठीक है, कि कभी मिसाल के तौर पर, और इसके लिए कोई ना कोई दलील होगी, कोई ना कोई फरीना होगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के करने का हुक्म दें या अल्लाह ताला किसी चीज के करने का हुक्म दें तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि वो चीज कैसी हो गई, वाजिब हो गई। अब अगर वाजिब है तो वाजिब का हुक्म क्या था कि इसको करने पे सवाब है और ना करने पे इंसान गुनाह का मुस्तहक होता है। तो हम ये गुमान भी नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें गुमान का कोई शुबा भी हो। तो एक चीज का अगर शरीयत ने हुक्म दिया हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को ना करें तो ये किस चीज पे दलालत करता है आमतौर पे कि ये चीज मतलूब तो है शरीयत में लेकिन इल्जामी या वाजबी तौर पे नहीं है बल्कि अफजलियत या मुस्तहब के तौर पे है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यानी इसमें शेख साहब ने तो मैंशन किया हुआ है कि इबाहा यानी उसके मुबाह होने की तरफ वो उस चीज की दलील देता है, और मैंने आपको बताया था कि अगर वो अमर जो है एक चीज को मना करने के बाद आया हो कि एक चीज से शरीयत ने मना किया हो वक्ती तौर पे और उसके बाद अगर फेले अमर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसको जो असल था उस पे लौट जाए। पहले वाजिब था तो वो वापस वाजिब हो जाएगा, अगर पहले मुस्तहब था तो फिर वापस मुस्तहब हो जाएगा, और पहले अगर मुबाह था तो फिर वापस मुबाह हो जाएगा। लेकिन ये कब है, या तो मना के बाद है या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में है जिसका किसी कॉन्स में गुमान ये किया जा रहा है कि ये चीज शायद ना हो, उसको बयान करने के लिए कि ये मना नहीं है। तीसरा ये कि कभी कभी डराने के लिए या खौफ दिलाने के लिए भी सीगा इस्तेमाल होता है, जिसको शेख साहब ने कहा अदीद, जैसे कि ने कहा एमलु माशितुम, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा एमलु माशितुम, कर लो जो है तुम्हारा। तो यहाँ पे एमलु क्या है, सीगतुल अमर है। तो अगर हम ये कहें कि सीगतुल अमर का तकाजा है वाजिब और फौरी तौर पे करना तो फिर इससे मुराद ये बननी चाहिए थी कि इस आयत का मतलब है कि अब इंसानों पे लाजिम है कि वो जो दिल चाहे करें, वाजिब है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो अमर है ये शरीयत ने डराने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मुराद फेल को वाजिब, उस अमर को वाजिब करना नहीं है बल्कि डराए जाओ जो करना है कर लो, यानी मुराद ये है कि ना करो जी, गुनाह से बचने के लिए वो कहा जा रहा है कि असल में नहीं मुराद है कि यानी अकल के नाखून लो और ऐसा नहीं करो, यानी अपने आप को ये मत समझो कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो कर सकते हो। ठीक है जी, कह रहे हैं कि दूसरी बात क्या थी, एक तो था वजूब का तकाजा, तो वजूब के एक्सेप्शन से एक साथ ने बता दी कि वजूब के अलावा भी दूसरे माने हो सकते हैं। दूसरा जो था कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट माना क्या होता है, फौरन का, फौर का माना होता है। लेकिन फिर शेख साहब कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो वयख्रुजुल अम्रु अनिल फौरियति इला तराखी, कि कभी वो अमर जो है वो फौर से निकल के कहाँ चला जाता है, तराखी पे। तराखी का माना क्या होता है, देर, यानी इसमें आप मुताखिर कर सकते हैं, उसको मुआखर कर सकते हैं, इसमें आप डिले कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कभी अमर जो है वो फौर के माने से हटके तराखी के यानी कि उसको मुआखर करने की यानी उसमें रिलैक्सेशन वक्ती तौर पे मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए होगी, दलील चाहिए होगी। ठीक है, कोई करीना हो कोई दलील होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर फौर था फौरी तौर पे, लेकिन इसको हटाने के लिए दलील चाहिए होगी। और उसके हिसाब ने एग्जाम्पल दी, जैसे आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कॉल कि वो जो उनके रमजान के रोजे मिस हो जाते थे उनको वो क्या करती थी, शाबान में,
अगले साल के शाबान में अदा करती थी, यानी तब तक उसमें उनके पास एक वक्त था कि वो उसको डिले कर सकें। ठीक है जी। हमें कैसे पता चलेगा? हमें अभी हम यही देख रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कोई दलील आएगी जो उसको उस हुक्म से निकालेगी। ठीक है, तो अमर में वजूब और फौर जो है वो बाय डिफॉल्ट शामिल है, और इनसे हटने के लिए कोई दलील चाहिए। अगर दलील नहीं है इसका क्या मतलब है, उसको उसकी असल पे रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई दलील आएगी तो ये इन दोनों मामलों से हट सकते हैं। ठीक है जी। ये जो रूल है मादा यतिमुल अमरु, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम नहीं नहीं को देख लें। नहीं के हवाले से आपको क्या याद है, हमने क्या डिस्कस किया था? नहीं कहते किसको है? मना करना और तलबू तरकुल फेल, किसी फेल को छोड़ने का तकाजा शरीयत का। ये इसके अंदर क्या चीज शामिल है? एक तहरीम शामिल है। जिस तरह अमर में क्या था? वजूब शामिल था, तो नहीं के अंदर तहरीम शामिल होती है कि जब शरीयत किसी चीज से मना कर रही है तो वो टेक्निकली उसको हराम करार दे रही है, और दूसरा ये कि वो उस अमर को फासिद बना रही है। अब फासिद, आप जरा याद करें कि फासिद का क्या माना था? फासिद का क्या माना था? में वजी का पेज खोले जहां पे फासिद लिखा हुआ था, वहां पे फासिद का क्या माना था? हमारे सेहत में कुछ मतलब हो सही से ना फासिद, बात आपकी सही है। पेज नंबर है ये 14, 14। इसमें देखिए लिखा है फासिद। फासिद का क्या लिखा हुआ है? मा ला ततरतब आसारु फिलिही अलैही इबादतन काना अम अक्दन। क्या मतलब था इसका? पेज नंबर 14, 14। मा ला ततरतब आचार मुरतब नहीं, फेल के आचार मुरतब नहीं होंगे इबादत, हाँ, तो हमने यानी इबादत अगर किया आपने था। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ी और आपकी नमाज को हुक्म मिल रहा है कि आपकी नमाज फासिद है, तो इसका क्या मतलब है? या तो हमने वजू नहीं किया होगा, नहीं, इसका मतलब ठीक है, वो वजह जो भी है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस में क्या मतलब है? आपने वजह तो फर्ज जो नमाज आपको अदा कबूल नहीं की, होगी वो आपको दोबारा लौटानी पड़ेगी, वो कबूल नहीं होगी, इसके ठीक जो है, असर वो मुरतब नहीं। उसके जो आसार हैं यानी असरात हैं वो अब कॉन्सिक्वेंस के तौर पे नहीं आएंगे। अगर कोई इबादत थी वाजबी तो वो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। अगर कोई मामला आपने तय किया था तो वो मामला जो है वो सही नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी मामले में नहीं वारिद होती है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर अमल करना जो है वो फासिद है, वो अमल कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। जी अन्ना यू जी, आज ऑनलाइन कोई रीड करें प्लीज। ऑनलाइन वालों की अच्छा आवाज आ रही है क्लास में? नहीं आ रही? एक कल आ गई थी? नहीं आई ही थी? आई थी, फिर उसके बाद से फिर बंद हो गई। हाँ जी, आज भी कोई कोशिश कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जजाकअल्लाह खैर। अन्ना यू अल्लाही कौल यतमद्दन तलबुल कफ अला वजही अल इस्तिला बिसीगती मखसूसा हय्युल मुदारे अल मकरून बिला नहिया النهي قول يتضمن يتمدد طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا نهي. جي كوشش کریں ترجمة. ये वो कौल है जो
ये तो तमनु का माना हो जाएगा, वो अपने अंदर शामिल रखता है या इसके अंदर मुराद होती है तलबुल कफ। कफ का क्या मतलब है? तलबुल कफ, कफ कहते हैं रुक जाने को, ठीक है, कफ यानी के रुक जाए। रुकने का क्या मतलब है, आप कोई काम कर रहे थे, आप चल रहे थे, मैंने आपको क्या कहा रुक जाए, तो इसका क्या मतलब है कि अब आप चलना छोड़ दें। तलब तरकिल फेल, एक काम को आप छोड़ दें यानी कि उस काम से रुक जाए। आप पानी पी रहे थे, आपको मैंने कह दिया पानी मत पिए, यानी कि आप पानी को छोड़ दें, रुक जाए। तो तलबुल कफ किसी रुक जाना। अला वजह इस्तेला, फेस वैल्यू के ऊपर उसको जाहरी तौर पे। इस्तेला का क्या मतलब था? शामिल नहीं होगी, इल्तिमास और दुआ शामिल नहीं। इस्तेला का मतलब है कि जो कहने वाला है वो बुलंदी पर है, वो बुलंदी पर है उसके मुकाबले में जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, यानी कि बड़ा छोटे को कह रहा है या खालिक मखलूक को कह रहा है। बिसीगतिन मखसूसतिन, एक खास सीगा है उसका अरबी जबान में, कौन सा है वो? अल-मुदारिअ मकरून बिला नहिया। मकरून का मतलब क्या होता है? करीम का क्या माना होता है? करीब, जो कि उसके साथ हो, करीब हो, ऐसा मुजारे जिसके करीब कौन हो? ला अन्नाहिया, ठीक है। ये अरबी जबान में नहीं का सीगा है कि फेले मुजारे से पहले ला नाहिया लगा दिया जाता है, और ला नाहिया की निशानी क्या होती है कि ये ला नाहिया है? नहीं, ला नफी का भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ला अक्तुबु, इसका क्या मतलब होगा? मैं नहीं लिख रहा या नहीं लिखता या नहीं लिखूंगा। और अगर मैं आपको कहूँ ला तक्तुब, मत लिखो, मजज़ूम करता फिर मुज़ारे को। जी क्या, सॉरी आपने क्या कहा? फिल मुज़ारे को मजज़ूम कर देते हैं। जी बिल्कुल, फेल मुजारे को ला नाहिया क्या करेगा? मज़ूम करेगा, ठीक है। तो ये उसी निशानी होगी ला नाहिया की, फेल मुजारे से पहले आएगा और फेल मुजारे को मज़ूम करेगा, जैसे अल्लाह ताला ने कहा वला तत्तबिअ अहवालल्लज़ीना कज़बू, क्या ना करो, तत्तबिअ इत्तिबा मत करो, किनकी, किसकी, अहवा, हवा नफ्स परस्ती जिसको कहते हैं, हवा परस्ती, उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की, उनकी ख्वाहिशों की इत्तेबा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे ला अन्नाहिया कौन सा है? तो ला तत्तबेअल, आगे देखें, आगे एक और ला है वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखरती, ये ला कौन सा वाला है? ला नफी, ये ला नफी का है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके आगे जज़्म नहीं हो रहा, क्यों बिनुना फेल मुज़ारे जो है वो मज़ूम नहीं हो रहा। अगर ये फेल मज़ूम होता तो उसकी क्या निशानी होती? ला नहीं होता, क्या हो जाता? तो क्या हो मज़ूम, इसका जज़्म दिखता कैसे कि नून गिर जाता। सही, जज़ाकअल्लाह खैर। ला मिनूना में क्या होता? नून गिर जाता। कहाँ कहाँ नून गिर जाता है? नून अराबी, फेल मुजारे में कहाँ कहाँ नून अराबी होता है? अफारे खमसा में, जमा मुजक्कर के सीगों में होता है, और जमा मुजक्कर चाहे गायब हो या मुखातिब हो, और तस्निया के सीगों में होता है, जमा मुजक्कर के सीगों में और तस्निया के सीगों में ला नून अराबी होता है, तो वो जब मज़ूम होगा तो फिर वो नून गिर जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक, ठीक है जी। और यहाँ पे भी वही बात कि आला वजह इस्तेला का माना क्या है कि इसमें इल्तमास और दुआ शामिल नहीं है। हम जो साहब दुआ और इल्तमास क्या किए? सॉरी, मैंने लास्ट लेक्चर पे नहीं किए। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? मैं लास्ट लेक्चर में अटेंड नहीं किया। ये लास्ट से भी लास्ट लेक्चर था। अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं जी। इस्तेला होता है जब बड़ा छोटे को कह रहा हो, कोई ऊपर हो बुलंदी पे, वो नीचे वाले को कह रहा हो। इल्तिमास क्या होती है? बराबर वाले जो है वो एक दूसरे को कह रहे हैं, जिसको हम रिक्वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। दुआ छोटा बड़े को कह रहा है, और कुछ कहते हैं कि इसको खास हम कहेंगे कि मखलूक खालिक से
मांग रही है, अगर आप शरी माने में दुआ ले रहे हैं, अगर आप लुगवी माने में ले रहे हैं, तो वो वैसे भी छोटे की तरफ से बड़े की तरफ हो सकती है। यानी मिसाल के तौर पे औलाद वालदेन को कहे तो फिर वो ठीक है। जी जी वो ला नाहिया है, ला तत्तबे से पहले जो ला है ये ला नाहिया है। उसकी निशानी क्या है कि तत्तबे क्या हो गया, मज़ूम हो गया, वरना क्या होता ला तत्तबीउ, लेकिन यहाँ पे हो गया ला तत्तबे एन साकिन, तो ये हो गया मज़ूम। जज़ाकअल्लाह खैरा। वला तत्तबे फुतुवात शैतान, बिल्कुल सही। अच्छा ये अच्छा एक ये थोड़ा सा मैं वो वैसे बता, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको एक चीज एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, इनको हमने कंफ्यूज नहीं करना है। एक है वाजिब और हराम, और एक है अमर और नहीं। ठीक है, वाजिब और हराम जो है वो अहकाम के शरी अहकाम की किस्म है, शरीयत का क्या हुक्म है। और अमर और नहीं जो है ये एक टूल है। ठीक है, ये एक खासकर लैंग्वेज का एक टूल है जिसमें कुछ माना कन्वे किया जाता है। और जैसे कि अमर में हमने देखा कि वो माना वाजिब का भी हो सकता है और मुस्तहब का भी हो सकता है, ये आम तौर पे है। कुछ अफआल ऐसे हैं यानी उनके अंदर माना ही ऐसा है जो कि दलालत करता है हराम की तरफ। ठीक है, अब उसको चाहे शरीयत ने अमर के सीगे में कहा गया हो, लेकिन उसका माना क्या है, हराम का। मिसाल के तौर पर अगर शरीयत कहे उतरुक औदा छोड़ दो, या उतरुक छोड़ दो इसको, या कुफा नहादा, कुफा मतलब था क्या था, रुक जाओ। अब ये ग्रामेटिकली क्या है, उतरुक दा ग्रामेटिकली क्या है, अमर है, लेकिन शरीयत इससे क्या हुक्म साबित कर रही है कि ये चीज क्या है आपके ऊपर, ये हराम है। ठीक है, अगर शरीयत कह रही है मिसाल के तौर पे कि इजतनीबू, मतलब है इजतनीबू का इज्तनाब करो, किससे किससे शरीयत ने किस, शरीयत में क्या आया मिसाल के तौर पे, कोई इज्तनीबू के साथ कोई आयत या हदीस, इज्तनीबू तागूत, इज्तनीबू अस्सबअ अलमुबिकात, इज्तनीबू कौल अज़्ज़ूर। ठीक है, तो ये जो कौल अज़्ज़ूर है झूठी बात, शरीयत इसको क्या बना रही है, हराम बना रही है। कैसे पता चला, इज्तनीबू है पहले अमर, लेकिन इसके अंदर माना किस चीज का है, रुकने का। तो इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा जहन में कि कभी कोई सी चीज को हराम किया जा सकता है किसी ऐसे अमर से जो जाहिरी तौर पर तो फेले अमर हो लेकिन उसके अंदर माना किस चीज का हो, छोड़ने का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि कभी कभी मसलन दा औ उतरुक औ कुफ, या फिर मैंने आपको बताया जैसे कि इजतनिब। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब ला नाही आएगा तभी शरीयत उस चीज से रोक रही होगी। कभी कभी कुछ फेल ऐसे होंगे जहां पे शरीयत उस अफाल के अंदर जो माना है, के हुरूफ असलिया के अंदर जो माना है वो माना ही रोकने पे दलालत कर रहा होगा। तो अब कुछ ने उसको नहीं कहा है कि ये भी शरीयत की तरफ से नहीं है, और कुछ ने कहा है कि ये शरीयत की तरफ से अमर है लेकिन ये हराम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंक्लूजन दोनों का सेम है, आपको माना समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये बात जिस तरह अमर में आई थी इस तरह यहाँ पे भी आ रहा है कि कद युस्तफादु तलबुल कफी बिगैर सीगत नहीं। क्या मतलब कि तलबुल कफ रुक जाने का जो शरीयत का मुतालबा है, कभी कभी शरीयत में ये सीगत नहीं के अलावा भी किसी और तरीके से कन्वे किया जा सकता है। मसलन या मिसला अयूसफा, यूसफा का मतलब यूसफा वस्फ, यानी किसी चीज को कैरेक्टराइज किया जाए या किसी किसी चीज की सिफत बयान की जाए या किसी चीज को ये सिफत दी जाए, किस चीज से, अयूसफ अल फेलु, किसी फेल को वस्फ दिया जाए, बितहरीमी, किसी चीज के बारे में कहा कह दिया जाए कि हाजा हराम। तो शरीयत यहाँ पे ये हराम कहने से आपसे क्या मुतालबा कर रही है कि आप इसी से रुक जाए। ये तलबुल कफ जो है ये कैसे शरीयत ने आपसे डिमांड किया, ये कि हाजल फेलु हराम, या फिर अवल हजर, उस चीज से मना कर दी हो किसी भी तरीके से, जैसे हमने देखा दा से या उतरुक से या कुफा से या इजतनिब से, अवल कुबह, उसकी कबाहत से बयान कर रही हो कि कितना बुरा अमल है,
او یزم فاعلہ یا اس کے کرنے والے کو کیا کیا جائے اس کی مذمت کی جائے کہ یہ اس کا کرنے والا ایسا ایسا ہے او یرتب علی فعلہ عقاب یا پھر کیا ہو اس کے کرنے پہ عقاب ہو عقاب کا کیا مطلب ہے کوئی سزا ہو کوئی شریعت نے کوئی ایسی بات بیان کی ہو کہ اس اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا یہ سزا دے گا ٹھیک ہے او نحو ذلک یا اس طرح کا اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کرنے کے لیے شریعت میں صرف صیغہ نہی کا نہیں ہے یعنی شریعت کسی چیز سے جب روکنا چاہ رہی ہے حرام کو بھی چھوڑیں شریعت کسی چیز سے روکنا چاہ رہی ہے پھر روکنے کے کیا ہوتے ہیں دو درجے ہوتے ہیں ایک کس طرح روکنا ہوتا ہے الزامی طور پہ روکنا جو کہ کیا کہلاتا ہے کسی چیز کو حرام کر دینا اور دوسرا ہے کسی چیز سے روکنا افضلیت کے طور پہ وہ کیا کہلاتا ہے مکروہ ٹھیک ہے تو شریعت کسی چیز کو حرام مکروہ یعنی اس سے روکنے شریعت کسی چیز سے روکتی ہے تو اس کا عام طریقہ کیا ہے صیغہ نہیں کا استعمال کر کے لیکن اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہوتے ہیں جس سے شریعت انسانوں سے کسی فعل سے رک جانے کا مطالبہ کرتی جیسے کہ شریعت کسی چیز کے بارے میں کہتے کہ ہذا حرام حرمت علیکم تم پہ حرام کی گئی ہے تم پہ حرام کی گئی ہے کہ کیا مطلب ہے کیا تم اس کام کو نہ کرو یا پھر اس کے کرنے والے کی شریعت نے مذمت کی ہو کہ یہ جو کرتا ہے یہ بہت برا شخص ہے یا اس سے کوئی بات نہ کرے یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ٹھیک ہے یا پھر اس کے کرنے پہ کوئی سزا دی گئی ہو جیسے میں نے کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا آخرت میں کوئی سزا دے بتا دے اللہ تعالیٰ یا کسی ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور کیا بتایا کہ ان کو کیا دیا جا رہا ہے عذاب دیا جا رہا ہے یعنی ایک سزا دی جا رہی ہے اور وجہ بتائی کہ اس کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے وہاں پہ منع نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تم ایسا مت کرو لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ شریعت نے منع کیا اسی سے کیونکہ جب اس کے کرنے والے کو سزا دی جا رہی ہے تو شریعت یعنی ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہمیں وہ سزا ملے تو اگر اس سزا سے بچنا ہے تو کیا کرو اس فعل کو نہ کرو اس فعل چھوڑ دو ٹھیک ہے جی جس طرح صیغۃ الامر کا تقاضا کیا تھا وجوب کا اور فور کا تو صیغۃ النہی کا تقاضا کیا ہے ما تقتضی صیغۃ النہی صیغۃ النہی عند الاطلاق تقتضی تحریم المنہی او منہی عنہ منہی عنہ کون ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا ہو اگر میں نے آپ کو کہہ دیا مت بیٹھیں تو بیٹھنا کیا ہو جائے گا منہی عنہ اگر میں نے آپ کہہ دیا یہ پانی نہ پیئیں تو یہ پانی کیا ہو جائے گا منہی عنہ صیغۃ النہی شریعت میں جب کبھی صیغۃ النہی استعمال ہوا ہو عند الاطلاق اطلاق کا آپ نے کیا معنی دیکھا تھا کہ کیا معنی ہوتا ہے مطلقاً طور پہ کہنے کا کیا مطلب ہے مطلقاً مطلقاً کا مطلب ہے بغیر کسی قید کے ٹھیک ہے اگر آپ کو صرف یہ کہہ دیا جائے مت بیٹھو صحیح اگر کہہ دیا مت بیٹھو تو بیٹھنا کیا ہو گیا حرام ہو گیا یہ کیا اندر اطلاق میں اس پہ قید کیسے لگا سکتا ہوں مت بیٹھو ابھی یہ ابھی میں نے کیا قید لگا دی یعنی کہ ابھی کے بعد بیٹھ جانا میں کہہ دیا مت بیٹھو ادھر تو ادھر بیٹھ سکتے ہیں ادھر مت بیٹھو آپ کے علاوہ کوئی اور بیٹھ سکتا ہے تو اطلاق کا کیا مطلب مطلقاً کا کیا مطلب کہ بغیر کسی قید کے کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی ہو کوئی لمٹ نہ لگائی ہو اب وہ آگے دیکھیں گے کہ ریسٹرکشن لگانے کے مختلف طریقے مثال کے طور پر اگر یہاں پہ کہہ دے کہ یہاں کوئی لمبا آدمی نہ بیٹھے تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی چھوٹا آدمی بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں اطلاق کو ختم کرنے کے لیکن فی الحال مقصد کیا ہے کہ اگر صیغۃ النہی بغیر کسی قید کے آ رہا ہے بغیر کسی قرینے کے آ رہا ہے بغیر کوئی خارجی دلیل کے آ رہا ہے تو اس کا بائی ڈیفالٹ تقاضا کیا ہوگا کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے حرام ہے ٹھیک ہے جس چیز سے شریعت منع کر رہی ہے صیغۃ النہی کے ساتھ بغیر مطلقاً وہ حرام ہے یعنی اس کی تحریم کا تقاضا ہے دوسرا فساد کا اس کے فساد کا یعنی کہ وہ فاسد ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا اثر شریعت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ ظہر کی نماز زوال کے وقت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نماز میں کوئی بھی چلیں چھوڑیں ایک مطلق نفل پڑھتے ہیں ظہر کی نماز زوال کے وقت پڑھتے ہیں تو وہ نماز کیسی ہے فاسد ہے اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی زوال کا وقت ہے اور زوال کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے تو اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا کیوں کیونکہ شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو
तब मुतवाली रोजे होते हैं। मुतवाली रोजे क्या होते हैं जी? आप वैसे उसकी मुख्तलिफ तफासीर भी हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे 24 आवर्स के या 48 आवर्स के रोजे रखना, ये क्या है शरीयत में, ये चीज कोई इसका सवाब नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि शरीयत ने इस चीज से मना कर दिया है। ठीक है जी, तो अगर किसी चीज से शरीयत ने मना किया है तो उसमें उसको हराम किया जा रहा है, और अगर वो फेल किया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो फासिल होगा। मिसाल के तौर पे शरीयत ने मामलात में या अक्त में बै अर रिबवी से, अल बै अर रिबवी से क्या किया है, उसको हराम किया है। अगर आपके और मेरे दरमियान एक मामला ऐसा हो जाता है कि आप उसमें रिबा शामिल है और मैं भी एग्रीड हूं और आप भी एग्रीड हैं, ठीक है, फिर भी वो बै कैसी है, फासिद है। यानी कि अगर हम दोनों में से किसी का माइंड चेंज होता है और हम फिर हाकिम के पास जाते हैं, काजी के पास जाते हैं, तो वो कहेगा कि ये बै असलन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बै शुरू से ही फासिद है, क्योंकि इसमें हराम शामिल है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात कहना कि सीगतुन नहीं जो है वो हराम का तकाजा करता है, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील शेख साहब ने कुरान की आयत बयान की, वमा आता कुम रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु। पहली वाली आयत कैसे को छोड़ दें, वो यहाँ पे नहीं कर जाएंगे। वमा नहाकुम, और जिस चीज से नहाकुम वो मना कर दे कुम तुम सबको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दे तुमको अनहु यानी उस चीज से, फंतहु तो फिर क्या करो, फिर रुक जाओ, उसको छोड़ दो, अब उसको तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई। दूसरा शेख साहब ने जो फसाद के लिए कि ये फसाद सीगत नहीं जो है वो फसाद की फसाद का तकाजा करता है, उसके लिए शेख साहब ने इस बयान की, मन अमिला अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। के अगर कोई शख्स एक ऐसा काम करता है जिसपे हमारा हुक्म नहीं है, यानी कि उससे हमने मना किया हुआ है, तो ये काम क्या है, फहुवा रद्द। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी तफसील है, वो तफसील शेख साहब ने यहाँ पे जिक्र नहीं की, वो आगे एक और कायदा आएगा तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें डिपेंड करता है कि शरीयत में किसी चीज की असल क्या, असल रूल क्या। अब मिसाल के तौर पे इबादात में असल ये है कि इबादात सारी हराम है, इल्ला ये कि जो शरीयत ने हलाल की है। ठीक है, यानी आप अपनी तरफ से कोई इबादत नहीं करते, आप सिर्फ वही इबादत कर सकते हैं जो कि शरीयत ने अलाउ की है। ठीक है, तो अगर किसी चीज का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है इबादत में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, फासिद है। वो वर्ड यूज ना करें, लेकिन वो फासिद है। किसी इबादत का शरीयत ने हुक्म अगर नहीं दिया है, आप उस इबादत को वैसे कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या हुक्म होगा कि ये फासिद है। लेकिन मामलात में रूल ऑपोजिट है, मामलात में असल क्या है कि सब चीजें अलाउड है, इल्ला ये कि शरीयत ने उससे मना कर दिया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किसी नए एरिया में जाते हैं और वहां पे आपको एक फ्रूट मिलता है। अब ये फ्रूट का खाना जायज है या नाजायज है, इसमें असल क्या है कि ये जायज है, इल्ला ये कि आपको कोई दलील मिल जाए कि भाई ये पर्टिकुलर फ्रूट से शरीयत ने मना किया है। ठीक है, इसी तरह कोई भी मामला इंसानों के दरमियान बाय डिफॉल्ट क्या है कि मामला है, अगर कोई दलील मिल जाए कि ये मामला नाजायज है, तो फिर तो ये थोड़ा सा एक फर्क है। लेकिन वैसे क्या है कि शरीयत ने अगर किसी चीज से मना कर दिया है, तो उस चीज को करना जो है वो फासिद है, उस चीज का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, यहां तक हम क्लियर हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बीच की एक डिस्कशन हम छोड़ रहे हैं, वो डिस्कशन मैं आपको जबानी तौर पर बता देता हूँ। उसमें एक तफसील है जो कि यहाँ पे तो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, फिलहाल हम उसको नहीं करें। पेज नंबर 30 के एंड में अगर आप आएंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, इसके आखिर की तरफ पेज 30 पे, तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है। पॉइंट नंबर 1 से पहले ये लिखा हुआ है, इसको प्लीज आप रीड कर लें, अगर ये ऑनलाइन जिनका माइक मैंने खोला है। सर, पॉइंट नंबर 1 से रीड करना है पेज नंबर 30, ये यहां पे जो लिखा हुआ है वक्द, यहां से वक्द وقد يخرج نهي عن تحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها صحيح یہاں تک ذالک تک ترجمہ اگر بتا سکیں تھوڑا سا وقد يخرج حرام ہے نکالا يخرج نهي اس کا کیا مطلب ہے یخرج نکلنا
निकलना। तो कभी कभी क्या होता है, ये कद आपने अभी शायद पढ़ा है नहीं, बड़ा कद का माना होता है कभी, यानी कद के दोनों माने होते हैं, एक माना होता है कभी कभी। तो कभी कभी क्या होता है, यखरुजु नहयु, नहीं क्या करती है, निकल जाती है कहां से, तहरीम से, तहरीमी तहरीम से निकल जाती है, इला मानिन उखरा, दूसरे मानी की तरफ। असल में क्या था, उसके अंदर माना था तहरीम का, लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं जो है, यानी नहीं का सीगा वो तहरीम के माने से निकल के दूसरे माने तक, माने में चला जाता है। कब ऐसा होता है, लिदलीलिन यक्तजी जालिका, जबकि कोई ऐसी दलील आ जाए जो इस चीज का तकाजा कर रहे हो, यानी दूसरी दलील आ रही है वो ये तकाजा कर रही है कि ये तहरीम यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे मुराद कुछ और है। अब वो कुछ और क्या माने हो सकते हैं जी, पॉइंट नंबर वन, अल कराहा वामिस्लु, अल कराहा वामिस्लु अल कराहा, ठीक है, मैं चलें रीड कर लें, रीड कर लें, वामिस्लु वामिस्लु लिज़ालिका लिकाउलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमसन्ना अहदुकुम ज़िक्रा बियमीन यमसन्ना أحدكم ذكره ذكره بيمينه وهو يبول صحيح। اب یہیں پہ ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں پہ رک جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی کیا شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ تحریم سے نکل کے وہ کراہت، یعنی کہ حرام سے نکل کے مکروہ کے معنی میں بھی چلی جاتی ہے، اور شیخ صاحب نے اس کی ایک ایگزامپل بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے اس حالت میں کہ وہ قضاء حاجت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس، ہمارے کانٹیکسٹ کا کیا لگا یہاں پہ موجود ہے، یہ لا شروع کا جو لا ہے، یہ کس چیز کا لا ہے، نہیں کا، نہیں ہے۔ جب یہ لا نہیں آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا ہوگی، حرام ہوگی، یعنی قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہ کو اپنے بیمین ہی دائیں ہاتھ سے ٹچ کرنا کیا ہوا، حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ۔ لیکن آگے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جمہور کا اس معاملے میں کیا موقف ہے، یہ نہیں جو ہے یہاں پہ یہ حرام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کراہت کے معنی میں ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے کیا کہی، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ شرمگاہ بھی جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو کسی حصے کو انسان کو یہ معاملہ کرنا کہ وہ ٹچ نہ کرے، یہ اس کا سینس نہیں بنتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ منع کرنے کا مقصد حرام کرنا اس کو نہیں ہے، بلکہ انسان کو کراہیت کے طور پہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کو پاک صاف ستھرا رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک موقف ہے، کیونکہ دوسروں کا کچھ مطلب موقف حرام کا بھی ہے، لیکن مثال کے طور پہ انہوں نے اپنی ایک دلیل بتا دی کہ خارجی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ چیز ہم حرام اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ عضو جو ہے وہ بھی جسمانی ہی ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ شریعت انسان کو ہی کہے کہ اپنے کسی جسم 1869 جی، اسی کی اور ایگزامپل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ شریعت نے کسی اس کے بارے میں لا نہیں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو اور پھر اس میں کوئی خارجی دلیل ہو؟ کوئی اور ایگزامپل آ رہی ہے ذہن میں؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو ایک اور بتائی تھی، اس میں لا یبولن کے الفاظ استعمال آتے ہیں، لا یبولن احدکم قائمن، ٹھیک ہے، کہ کھڑے ہو کے جو ہے قضاء حاجت نہ کی جائے، لیکن اس کی خارجی دلیل میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فعل کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس بیان کرنے کے لیے کہ اور جس طرح میں نے دوسری بتائی تھی قضاء حاجت کے بعد کعبے کی طرف نہ پیٹھ ہو نہ چہرہ ہو،
लेकिन एक सहाबी ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिल्डिंग के अंदर थे, यानी एक मकान के अंदर थे, और वहां पे उन्होंने उनकी जो पीठ थी शायद वो उस डायरेक्शन में थी। तो यानी खारजी दलील आ गई कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से अगर मना करेंगे तो वो अगर हराम करना होता तो खुद ना कर रहे होते। तो यहाँ पे मकसद जो था वो बयान करना था कराहत का। जी यहाँ पे ला नहीं जो है वो, एक सेकंड एक सेकंड माजर, इनका एक सवाल है कि ये जो लाए नहीं का ये इसको जजम नहीं करेगा, तो ये जजम ही कर रहा है, बस सिर्फ फर्क ये है कि ये जो मस्सा या मुस्सु है इसके हरूफ असलिया क्या है, मस्सा या मुस्सु इसके हरूफ असलिया क्या है, मीम सीन सीन। ये जो डबल वाला है, ये जो डबल वाला है ना, यानी एक हरूफ असलिया जिसमें दो, यानी एक ही अल्फाबेट दो बार रिपीट हो रहा हो, इसके कवायद होते हैं, और इसका जो जज़्म है वो इस तरह आराम से दिखता नहीं है, ठीक है। यानी जिस तरह वरना तो हो जाना चाहिए था इसको ला यमसुस, लेकिन ये बोला नहीं जाता ला यमसुस, इसको ला यमुस्सा या ला यमुस्सु दोनों बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये सीगा अगर अगर यहाँ पे जी नहीं तस्वीर तो सही ला यमुस्सन्ना, वो नून जो है वो ताकीद का, वो तो ताकीद की वजह से उसका आया हुआ है, ठीक है। ओके जी, अच्छा दूसरा माना क्या आ सकता है इसके अंदर, अल इरशाद। इरशाद का माना क्या होता है, इरशाद करना, रहनुमाई करना, बारकल्लाहु फीक, रहनुमाई करना कि शरीयत किसी चीज की तरफ रहनुमाई कर रही है। तो कभी कभी नहीं का, नहीं सीगा नहीं का इस्तेमाल है, लेकिन शरीयत का माना हो सकता है शरीयत आपकी रहनुमाई कर रही है किसी चीज की तरफ, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा, ला तदअना कि तुम मत छोड़ना, अंतकूला दुबर कुल्ली सलातिन अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, कि तुम ये हर नमाज के आखिर में ये कहो अल्लाहुम्मा आइन्नी, ये जिक्र कहो। तो यहाँ पे उनकी मुराद इस कॉल को या इस कॉल को छोड़ना हराम करना नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक इरशाद था, तरगीब दिलाना था कि आप इस फेल को किया करें और इसको दवाम के साथ करें, कभी छोड़े नहीं, ठीक है जी। अब इसमें फिर एक जरा सा इस हदीस के हवाले से या इस जिक्र के हवाले से एक ये इख्तलाफ है, या जिक्र तो नहीं कहेंगे दुआ कहेंगे, कि यहाँ पे दुबर कुल्ली सलातिन का माना क्या है, नमाज के बाद का है या नमाज के आखिर का है, तो वो एक दुबर का वैसे होता है एंड, एंड का माना होता है, जैसे इंसान की बैक जो उसके बटॉक्स के हिप्स होते हैं उनको भी दुबर कहा जाता है, तो जानवर का भी आखिर का हिस्सा दुबर कहलाता है, लेकिन दुबर जो है वो खारिज में भी हो सकता है, ठीक है। यानी खारिज का मतलब है कि उस जात से बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इख्तलाफ है फुका का उलमा का कि यहाँ पे मुराद जैसे तशहुद के आखिर में जो हम अदिया पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, मुराद यहाँ पे वो है, या फिर नमाज के बाद मुराद है जब हम जिक्र अस्कार करते हैं। तो शेख सालिम ने उसे मोहम्मद बिन सालिम उसेमिन का अपना मौकफ का ये है कि ये जो है ये नमाज के अंदर के की दुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो मकाम है दुआ का, तशहुद का एंड जो है वो मकाम है दुआ का, और नमाज के सलाम के बाद मकाम है जिक्र का, दुआ का, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये दुआ है। तो ये नमाज के अंदर तशहुद के जो उसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो मुराद है, और नमाज के बाद जो है वो अजकार है, उसमें अदिया नहीं है, तो इसलिए उनका ये मौकफ है। लेकिन कुछ का मौकफ ये भी है कि यहाँ पे नमाज के बाद ही दुआ व अजकार मुराद है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नहीं का टॉपिक। यहाँ तक अगर कोई बात क्लियर ना हो या कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी मुझे बता दें। अगर नहीं है तो फिर आगे एक टॉपिक है जो मैंने बीच में आपको कहा था छोड़ने का, उसको हम पढ़ते हैं जी। अगर कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। तकतजी का माना होता है तकाजा करना, डिमांड करना, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे तकाजा करूं कि आप मिसाल के तौर पे अपना माइक ऑन करें तो अना अक्तजी मिनकी, ठीक है जी। यानी अगर मैं एक बात कह रहा हूं तो मैं आपसे कुछ उस बात कहने का कोई तकाजा होगा कि आप इसको करें या ना करें, मुझे दे दें, उस शख्स को दे दें, बेच दें, खरीद लें, तब तजी तकाजा करते हैं। और कुछ ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मिसाल के तौर पे सलात, नमाज को अदा करना, इसका क्या हुक्म है, वाजिब है, ठीक है जी। अच्छा अब इस
इशा की नमाज मुझ पर वाजिब हो जाती है। अब इशा की नमाज अदा करने के लिए मुझ पर यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? वुजू करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे वुजू करना पड़ेगा ताकि मैं ये नमाज पढ़ सकूं। अब ये अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे मिसाल के तौर पे नीचे जहां पे हमारी जमात होती है वहां जाना है पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे मशी किसको कहते हैं, चलने को, मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। या अगर कोई शख्स घर पे है और मस्जिद में अगर वो जा रहा है तो मस्जिद ये तो वॉक करके भी जाएगा या गाड़ियां भी जा सकते हैं, ठीक है। सलात का क्या हुक्म है? सलात वाजिब है। तो वो चीज जो के आपको सलात तक पहुंचाने अच्छा जी, ओके जी, मैं ये बात कही कि नमाज पढ़ना जो है वो वाजिब है। इस नमाज तक पहुंचने के लिए, नमाज पढ़ पाने के लिए मुझे वुजू करना पड़ेगा या हो सकता है मुझे वॉक करके कहीं जाना पड़े, तो इसका क्या हुक्म होगा? दूसरी मैंने एग्जाम्पल दी कि शराब बनाना जो है वो हराम है और शराब बनाने के लिए एक शख्स को मिसाल के तौर पे अंगूर चाहिए होंगे या कोई और भी चीज चाहिए हो सकती है, तो अगर शराब बनाना हराम है तो शराब तक पहुंचने के लिए जो काम करने पड़ेंगे उसका क्या हुक्म होगा? तीसरा मैंने आपको कहा कि मुझे सदके का एक बकरा जो है वो जिबा करके गरीबों में बंटवाना है, इसका क्या हुक्म होगा? सदके का वैसे ही कोई क्या है, मुस्तहब, ठीक है जी। अब इस बकरे को खरीद के गरीबों तक पहुंचाने के लिए मुझे इसको जिबा करवाना पड़ेगा या इसकी जो भी कसाई वगैरह के मामलात होंगे, ठीक है, या इसको मिसाल के तौर पे इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसका क्या हुक्म होगा? ठीक, तो यहां पे इन सारी सिनेरियोस को डिफाइन करने के लिए रूल क्या है? अल वसाइल, वसाइल किसको कहते हैं? वसीले की जगह वसी जमा है वसाइल, यानी जहां आपको मतलूब तक पहुंचना है उस मतलूब तक पहुंचने के लिए आप जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उस मतलूब तक पहुंच सके वो आपका वसीला हो गया। तो रूल क्या है? अल वसाइल लहा अहकाम अल मकासिद, अल वसाइल लहा, ये लहा में हा जमीर क्यों आ रही है? वसाइल के लिए, क्योंकि वसाइल जमा का सीगा है तो गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस। अल वसाइल, वसाइल उनके लिए क्या है? उनके लिए अहकामुल मकासिद, मकासिद किस चीज की जमा है? मकसद की जमा है। मकसद का जो हुक्म होगा वसीले का भी वही हुक्म होगा। अगर नमाज वाजिब है तो इस नमाज के लिए, वाजिब नमाज के लिए वुजू करने का क्या हुक्म होगा? वाजिब होगा। इस नमाज के लिए वॉक करके जाने का क्या हुक्म हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। बकरा खरीद के उसको, बकरा सदके का बकरा बांटने के लिए मुझे बकरा खरीदना, बकरे के लिए कसाई ढूंढना, उसको जबा करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, वो सब क्या हो जाएगा? मुस्तहब हो जाएगा। शराब अगर बनाना हराम है तो शराब के लिए फैक्ट्री लगाना या शराब के लिए रॉ मटेरियल खरीदना या उसके लिए मार्केट जाना या उसकी कोई भी एडवर्टीजमेंट करना, उस सब का क्या हुक्म हो जाएगा? हराम हो जाएगा। ठीक है,
अलवसाइल लहा अहकामुल मकासिद, अगर आपके मकसद का हुक्म वाजिब का है तो उसके लिए जो भी जरिया वसीला है उसका भी फिर हुक्म वाजिब का है। अगर आपका जो मकसद है वो हराम है तो उसके लिए जो भी चीज आप इस्तेमाल करेंगे उस सब का हुक्म क्या होगा कि वो एक एक चीज हराम की हो जाएगी, वो एक एक कदम जो आप उस रास्ते में लेंगे वो भी हराम हो जाएगा। अगर आपका मकसद मकरूह का है तो फिर उसके वसाइल जो है वो भी मकरूह कहलाएंगे। अगर आपका मकसद मुस्तहब का है, मंदूब का है या मुबाह का है तो उसके वसाइल को भी वही हुक्म मिलेगा जो कि उस मकसद को मिलेगा। ठीक है जी। जी मिसाल के तौर पे जैसे बैंक के बारे में है कि बैंक में काम करना या मतलब हराम की कुछ चीजें ना करना, लेकिन अगर बैंक में अगर एक क्यों काम कर रहा है, अगर एक हेल्पर है तो उसकी जो अर्निंग होगी तो फिर उसके बारे में क्या हुक्म, मतलब वो किस तरह से देखना? ये उस मामले से थोड़ा सा यानी इस हुक्म से थोड़ा सा आगे की बात है। अभी यहाँ पे इस मामले को आप देखें कि कमाई करना, कमाई करने का क्या हुक्म है मर्द के लिए? वाजिब है। ठीक है, तो कमाई करने के लिए मेहनत करना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि इन वसाइल में से मिसाल के तौर पे मुझे बकरा जिबा करना है, मतलब बकरा बांटना है, क्या मैं बकरा चोरी कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि वो चोरी का अपना एक मुस्तकिल हुक्म है, उस वसीले को शरीयत ने एक हुक्म दिया हुआ है। मुझे नमाज पढ़नी है, मैं वजू करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं वजू के लिए किसी पड़ोसी का पानी चुरा सकता हूं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें चला जाएगा कि उस शख्स की अगर हम नौइयत से देख रहे हैं कि एक शख्स जैसे आपने कहा प्योन है किसी जगह पे, मतलब कोई हेल्पर वगैरह है, उसकी अपनी जो एक मकसद है कमाई करना, अब उसके लिए वो क्या वसीला इस्तेमाल कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसमें भी देखा जाएगा कि वसीला शरण जायज है या नहीं। अभी हम ये बात करें कि अगर शरीयत जायज है तब भी उसको वो हुक्म मिलेगा जो कि उसके मकसद का है। अब मिसाल के तौर पे अंगूर खरीदना, अंगूर वैसे खरीदने का क्या हुक्म है? मुबाह है, आप खरीद सकते हैं। अगर आपको अपने किसी घर में मेहमान को खिलाने के लिए खरीदने पड़ रहे हैं तो फिर क्या हो जाएंगे? मुस्तहब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने घर वालों पे जिनका आपके ऊपर नफका लाजिम है, वाजिब है, उनको खिलाने के लिए करना है तो फिर ये वाजिब भी हो जाएगा। अगर किसी हराम काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको हराम का हुक्म हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अपने घर वालों की प्यास बुझाने के लिए शराब खरीदना, अब शराब प्यास बुझाना यानी उनके नफका आप पे वाजिब है, लेकिन शराब फी जाती ही हराम है, तो उसको हम यहाँ पे भी कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी आपकी बात अलग है और उस मसले में कुछ किसी हद तक थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन अगर हम देखें इस कायदे के तहत देखें तो उसमें जो कि वो मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं, बैंक का जो मकसद है वो हलाल है या हराम है? बैंक का जो मकसद है उसके मकसद को देखा जाएगा। मकसद कैसे जाहिर होगा कि उसकी मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज है, मेजॉरिटी अगर वो अर्निंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज जो है वो उसका मकसद है। उसका मकसद अगर हराम है तो उसके वसाइल भी क्या होंगे? हराम होंगे। जब उसके वसाइल हराम है तो अगर वो उस पर हराम है तो वो उस पर भी फिर आगे उलमा से आप पूछ लें किसी पर्टिकुलर जॉब के हवाले से या पर्टिकुलर इस पर्सन के हवाले से। जी, फिर आप इसको इस तरह सोच लें कि एक शराब की फैक्ट्री में काम करने वाले का क्या हुक्म होगा? ठीक है, शराब की फैक्ट्री में अगर वो चौकीदारी कर रहा हो, चलें शराब को भी छोड़ें, अगर जिनाकारी के जगह पे वो अगर गार्ड की ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है और ये नेचुरल सी बात है कि कुछ गुनाहों को हमारे जहन में ज्यादा फौकियत हासिल होती है, कुछ गुनाहों को इतनी नहीं होती, तो जिनको फौकियत इतनी हासिल नहीं होती उनको हम थोड़ा लाइटर लेवल पे ले रहे होते हैं, तो इस वजह से उसको समझने में थोड़ी सी एक कभी महसूस भी होता है कि यार इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। जी, वो भी एक मामला अपनी जगह पे। जी, इनका इनकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि चोरी के लिए, चोर का चोरी के लिए जाना भी क्या हो जाएगा, यानी अगर वो किसी गाड़ी का इस्तेमाल करके अपने महल वारदात पे जा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका हुक्म भी हराम का हो जाएगा कि शरीयत का मुताबिक उससे वहां पे भी है कि आप इससे रुक जाओ। ठीक है जी, यानी जो वसाइल है वो इट्स इट्स लेकिन बहुत सारे वसाइल ऐसे हैं जिनका हुक्म मुबाक है, लेकिन कुछ वसाइल ऐसे भी हैं जो फीजाती मुस्तहब भी है। मिसाल के तौर पर सलात के लिए वजू, वजू का फीजाती हुक्म क्या है? मुस्तहब का भी है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे वजू वाजिब भी बन जाएगा। अगर आपको वाजिब नमाज पढ़नी है तो उसके लिए वजू करना
वाजिब हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि वुजू तो मेरे ऊपर मुस्तहब था, मुस्तहब में अगर मैं ना करूं तो गुनाह, मुस्तहब में ना करूं तो गुनाह नहीं है। नहीं, इस मौके पे ये वुजू करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये एक मकसद के लिए जो कि खुद वाजिब है उसके लिए लाजमी वसीला बन रहा है। कुछ वसाइल होंगे जो लाजमी होंगे, कुछ वसाइल होंगे जो गैर लाजमी होंगे। जो गैर लाजमी वसाइल हैं उनमें आपके पास चॉइस हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, मुख्तलिफ वसाइल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैदल चल के ही जाना वाजिब है, लेकिन अगर जो शख्स जा रहा है उसको इसका सवाब मिलेगा, और अगर वो उसको छोड़ देता है तो फिर ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ इबादात के या मुख्तलिफ मामलात की अपनी अपनी तफसीली डिटेल्स होती हैं कि किसके लिए क्या चीज करना है, किसके लिए क्या चीज नहीं करनी, तो उन चीजों को जहन में रखते हुए फिर इसकी आगे तफसील होती है। जी, वो शायद का भी मामला है। बस अभी हमारा जो मकसद था वो क्या था, इस इबारत को समझना, अल वसाइलु लहा अहकामुल मकासिद, के मकसद का जो हुक्म होगा उसके वसीलों को भी उस तरह के हुक्म के साथ ही लाया जाएगा। उनके अपने जाती हुक्म की बात नहीं हो रही, जाती हुक्म अलग अपने एक और मुस्तकिल है। फिर इसी से रिलेटेड एक और कायदा है, वो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में देख लेंगे, उम्मीद है कल ही इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक हम और करेंगे, ये मुकल्लफीन का, कि मुकल्लफ कौन है और मवाने और तकलीफ। और उसके बाद हम एक थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप करेंगे। आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में हमें सबमिट करना है, क्योंकि आप लोगों को वो ड्यू हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक, यानी हम पेज नंबर 33 जो किताब का है, यहाँ तक हम एक बार रुक के किताब का छोटा सा रिकैप करेंगे, और आपका जो असाइनमेंट होगा मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, रात को सोने से पहले वजू जो है, रात को सोने से पहले वजू करना जो है उसका हुक्म क्या है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। ठीक है जी, جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جی، آن لائن کا رزلٹ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں امید ہے کہ آ جائے گا۔ آج بھی اس پہ وہ کام کر رہے تھے، اس میں کمپائلیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو بس اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اردو میں بک یہ مل جائے گی، مل تو آپ کو اردو میں بھی جائے گی، انگلش میں بھی جائے گی، لیکن فی الحال کوشش کریں کہ فی الحال، کیونکہ ہم عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں، فی الحال ٹورڈز دا اینڈ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن پہلے پوری کوشش اپنی کر لیں۔ ایک تو ہم پوری کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم اس کے کچھ خاص مواقع ہی پڑھ رہے ہیں، اور آسان کسی حد تک عبارت ہے۔ کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو، کوشش کریں کہ اس کو عربی میں سمجھیں۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں نے آپ کو کہا ہوا ہے، آپ کلاس میں ملٹیپل ٹائمز ہی پوچھ لیں، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ جس حد تک ممکن ہو آپ کوشش کریں کہ آپ عربی میں ہی کتاب کو پڑھیں۔ اوکے جی، السلام علیکم۔